सो दोस्तों, मेरे पास आ चुका है लोगों का एक लौता सपनों का ब्रांड, यानी जिस ब्रांड का फोन लेना लोगों का सपना होता है। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया का एक लौता ब्रांड जिसका लोगो है कटा हुआ सेब। सो दुनिया का वन एंड ओनली कटे हुए सेब ब्रांड का फोन मैं आज अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, जो की है आईफोन। सो मैं आज आईफोन 14 का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। सबका स्वागत है बीटी बंधु टेक्निकल चैनल में। तो देखिए, इस वीडियो में मैं सिर्फ आईफोन 14 का अनबॉक्सिंग नहीं करने वाला हूँ, साथ में आईफोन के रिगार्डिंग यानी एप्पल के ओएस के रिगार्डिंग लोगों के मन में जो कंफ्यूजन है, जो मिथ्स है, वो सब मैं आज बताने जा रहा हूँ। आप लोगों का सारा मिथ्स मैं क्लियर कर दूंगा। रुकिए रुकिए, बस 2 सेकंड के लिए रुक जाइए, कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये आईफोन 14 का फुल रिव्यू नहीं है, बस यहाँ पे मैंने अनबॉक्सिंग को ही मोस्टली दिखाया है। सो जो फुल रिव्यू वीडियो है वो थोड़ा लेंथी वीडियो है, उस वीडियो का टोटल जो ड्यूरेशन है वो 45 मिनट्स का है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड ओएस से आईओएस में स्विच करना चाहता है, यानी एंड्रॉइड फोन से आईफोन्स में स्विच करना चाहता है, तो उसको कैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा और उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा, अगर आप लोगों को एकदम फुल डिटेल में जानना है आईओएस के बारे में, आईफोन 14 के बारे में, और आप लोगों को फुल कैमरा टेस्ट देखना है, तो उस वीडियो को आप लोगों को देखना ही पड़ेगा। और अगर आप लोग वो वीडियो पूरा देख लेते हैं तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप लोग आईफोन 14 लेना चाहते हैं तो आप लोगों को और कोई भी YouTube में दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और आईफोन 14 के ऊपर शायद ही किसी ने इतना लंबा वीडियो बनाया है। सो मैं ही शायद फर्स्ट टाइम YouTube में इतना लेंथी वीडियो आईफोन 14 के ऊपर डाल रहा हूँ। मैंने एक ही वीडियो में आईफोन के बारे में पूरा का पूरा बातचीत एकदम क्लियर कर दिया है, और मैंने कुछ ऐसी चीजें भी बताया है जिनके बारे में कोई भी यूट्यूबर्स बताते नहीं है। सो वो सब जानने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। सो अगर आप लोगों को फुल रिव्यू वीडियो देखना है तो आप लोगों को YouTube में जाके बीटी बंधु YouTube चैनल का iPhone 14 का जो फुल रिव्यू वीडियो है उसको देखना पड़ेगा। सो उसको देखने के लिए अगर आप लोग Facebook या फिर Instagram में देख रहे हैं ये वीडियो, सो उस फुल अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो का लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग ये वीडियो YouTube में ही देख रहे हैं तो आप लोगों को फुल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर में जो आई बटन आ रहा है वहां पे देखने को मिल जाएगा। सो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो आईफोन में भी आप लोग फ्री VPN डाउनलोड करके काले काम कर सकते हैं। So, उसके बारे में मैंने जो फुल रिव्यू वीडियो बनाया है वहाँ पे बताया है। सो पहले अनबॉक्सिंग देख लीजिए। सो ये है आईफोन 14 का बॉक्स पैक। तो पहले मैं एक बार बॉक्स का फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। तो बॉक्स के चारों तरफ हम लोग को एप्पल और आईफोन का ब्रांडिंग देखने को मिलता है, और बॉक्स के नीचे की तरफ हम लोग को प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, IMEI नंबर वगैरह और बॉक्स कॉन्टेंट वगैरह ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये फोन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया गया था। सो आप लोगों को तो पता ही है कि फ्लिपकार्ट में ओपन बॉक्स डिलीवरी देखने को मिलता है। सो डिलीवरी बॉय के द्वारा बॉक्स को पहले ओपन कर लिया गया था, सो इसलिए बॉक्स का सील पहले से ब्रेक किया हुआ है। सो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू आईफोन 14। सो फिलहाल फोन को रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। सो ओवरऑल बॉक्स का जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है। सो बॉक्स के ऊपर के ढक्कन के ऊपर मोटा सा पैडिंग देखने को मिलता है ताकि फोन को प्रोटेक्ट किया जा सके, और बॉक्स के अंदर हम लोग को एक छोटा सा पाउच टाइप का देखने को मिलता है जिसके अंदर है सिम इजेक्टर पिन, यूजर मैनुअल और एक एप्पल का स्टिकर, और बॉक्स के अंदर हम लोग को USB टाइप सी टू लाइटनिंग केबल देखने को मिलता है। सो ये आईफोन 14 है, सो इसलिए आप लोग को लाइटनिंग पोर्ट ही देखने को मिलता है। अब सब कुछ रखते हैं साइड में और चलते हैं मेन फोन के ऊपर। सो पहले फोन के ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है उसको हटा लेते हैं। सो अनबॉक्सिंग बहुत जल्दी जल्दी हो गया है, एप्पल के बॉक्स में ज्यादा कुछ होता नहीं है। सो बस यही है बॉक्स के अंदर, एकदम पतला सा बॉक्स है। सो एप्पल तो बॉक्स के अंदर फोन का चार्जर नहीं देता है, चार्जर आप लोगों को अलग से ही खरीदना पड़ेगा। सो ये है आईफोन के ओरिजिनल चार्जर का बॉक्स पैक, सो ऐसा दिखता है। और अंदर का चार्जर मैं दिखा देता हूँ, एप्पल का ओरिजिनल चार्जर, ये 20 वाट का चार्जर है, वाटेज थोड़ा कम है
क्योंकि एप्पल में फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलता है। सो जो भी है यही है, ये टाइप सी वाला चार्जर है, इधर टाइप सी है और दूसरी तरफ लाइटनिंग वाला पोर्ट है। अभी तो आईफोन की देखा देखी में सैमसंग भी वही टंटा चालू कर दिया है और भी बहुत सारे ब्रांड्स ने वही सेम टंटा चालू कर दिया है। तो पर्यावरण को बचाना ये फोन मैन्युफैक्चरर्स ने ही ठेका लेकर रखा है। आम आदमी तो अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचता ही नहीं है ना। एनवायरनमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना ये पहले एप्पल ने शुरू किया था, अभी बहुत सारे कंपनीज कर रहे हैं, सैमसंग भी कर रहा है। इन लोगों को चिंता है आपका एनवायरनमेंट का और क्या करते हैं, महंगे दाम पे चार्जर देते हैं। फोन ले रहे हैं तो चार्जर तो ऑब्वियसली लेना ही पड़ेगा। चार्जर के साथ भी एक अलग से बॉक्स आता है, वो बॉक्स बनाने के लिए तो पेड़ को ही काटा जा रहा है। तो कहां से एनवायरनमेंट को बचाना हुआ भाई, उससे बेहतर तो बॉक्स में ही चार्जर दे देते, लेकिन नहीं देंगे क्योंकि पैसा कमाना है, मेन मोटिव पैसा कमाना ही है। ठीक है, मेन मोटिव एनवायरनमेंट को बचाना बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए चार्जर मत दो, चार्जर बेचो, पैसा कमाओ, लूटो, लोगों को लूटो। सो अनबॉक्सिंग करने लायक ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो सीधा आते हैं मेन मुद्दे पे, यानी आईफोन 14 पे। सो फोन के राइट साइड की तरफ हम लोग को पावर बटन देखने को मिलता है। सो पावर बटन का जो साइज है नॉर्मल फोन्स के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा है। इसके अलावा हम लोग को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दो एंटेना लाइन देखने को मिलता है और एकदम ऊपर की तरफ हम लोग को सिर्फ एक एंटेना लाइन देखने को मिलता है और कुछ भी नहीं है। लेफ्ट साइड में हम लोग को एक एंटेना लाइन, एक अलर्ट स्लाइडर और वॉल्यूम रॉकर्स और सिम ट्रे और एक सेकेंड एंटेना लाइन देखने को मिलता है और नीचे की तरफ हम लोग को एक एंटेना लाइन, फिर है एक माइक्रोफोन ग्रिल, फिर है लाइटनिंग पोर्ट। ये आईफोन 14 है इसलिए इस फोन में लाइटनिंग पोर्ट ही है, टाइप सी नहीं है, टाइप सी 15 सीरीज से है। और लाइटनिंग पोर्ट के दो तरफ दो स्क्रू लगा हुआ है और फिर हम लोग को फर्स्ट स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है। फोन के पीछे की तरफ हम लोग को डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और साथ में एक डुअल टोन एलईडी फ्लैश है और सेकेंडरी माइक है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। मोस्टली एंड्रॉइड फोन्स में जो सेकेंडरी माइक रहता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए वो ऊपर की तरफ रहता है, लेकिन आईफोन में पीछे की तरफ है। और फिर हम लोग को देखने को मिलता है मेन चीज, एप्पल का चमचमाता हुआ लोगो। तो पीछे की तरफ जो कैमरा का कटआउट है वो प्लेन नहीं है, वो थोड़ा उभड़ा हुआ है। सो अब बात करते हैं आईफोन 14 के बिल्ड और डिजाइन के बारे में। तो फोन एकदम छोटा सा है और बहुत ही ज्यादा हैंडी है और फोन थोड़ा लाइट वेट भी है। सो फोन का जो वेट है वो है 172 ग्राम। तो चलिए आप फोन को बूट करते हैं। सो बूट करते ही पहले मेन चीज एप्पल का लोगो आया है। सो ये आईफोन 14 है। सो आप लोगों को सामने की तरफ एक नॉच देखने को मिलता है। सो नॉच के अंदर आप लोगों को फ्रंट कैमरा, एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर और फेस अनलॉक के लिए एक IR सेंसर देखने को मिलता है। और नॉच के ऊपर की तरफ आप लोगों को ईयरपीस देखने को मिलता है और ईयरपीस में ही आप लोगों को सेकंड स्पीकर देखने को मिलता है। आईफोन के स्टार्टिंग सीरीज का जितना भी फोन होता है सारे के सारे फोन थोड़ा छोटा होता है। सो मुझे इतना छोटा फोन उतना अच्छा नहीं लगता है, इससे थोड़ा सा बड़ा होता तो सही रहता। मुझे ज्यादा बड़ा फोन भी पसंद नहीं है लेकिन इतना छोटा फोन भी पसंद नहीं है। और एप्पल का जो लोगो है ये एकदम पूरा लगता है कि ये मिरर है, आप अपना पूरा फेस भी देख पाएंगे। यहाँ पे तो ग्लॉसी फिनिश है लेकिन जो कैमरा का जो कटआउट है यहाँ पे मैट फिनिश है, यहाँ पे ग्लॉसी नहीं है। तो आईफोन के पीछे का जो कैमरा बम्प है वो थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है आप लोगों को। नॉर्मली बिना कवर लगाए आप लोग अगर फोन को ऐसे रखते हैं तो ये देखिए फोन ऐसे ऐसे हिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए डिसबैलेंस है क्योंकि पीछे भी ग्लास बैक है, सामने तो ग्लास है ही। तो ग्लास इज ग्लास एंड ग्लास कैन ब्रेक। और फ्लैट एजेस है। तो ये फ्लैट एजेस का ट्रेंड एप्पल ने ही शुरू किया है। इस फोन में आप लोगों को IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट देखने को मिल जाता है। सो अगर फोन में पानी का छींटा वगैरह लग गया या फिर इवन फोन पानी में भी गिर गया तब भी कोई दिक्कत नहीं। और मैं एक बार इसके सिम ट्रे को दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे जो ये सिम ट्रे है आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे प्रॉपर रबर का पैडिंग है। सो अब बात आईफोन 14 के डिस्प्ले एंड मल्टीमीडिया के बारे में। आगे की तरफ आप लोग को 6.1 इंच का 2K रेजोल्यूशन के साथ सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले देखने को मिलता है। सो सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले अलग से कुछ भी नहीं है, बस OLED डिस्प्ले ही है। और इस डिस्प्ले का जो पिक्सल डेंसिटी है वो है 460 PPI। सो फोन का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत अच्छा है, आप लोग को बेजल्स बहुत ही कम देखने को मिलता है और जो नीचे की तरफ चीन है वो भी बहुत पतला है। सो फोन के डिस्प्ले में आप लोग को 1200 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। सो जो ब्राइटनेस है वो बहुत ही अच्छा है। फोन का जो आउटडोर विजिबिलिटी है वो भी बहुत अच्छा है। तो फोन में आपको 1200 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है, इसलिए जो ब्राइटनेस लेवल है वो भी अच्छा है। तो आउटडोर कंडीशन में सनलाइट के अंदर भी फोन का जो स्क्रीन विजिबिलिटी है वो बहुत अच्छा है। और इतना महंगा फोन होने के बावजूद भी एक मेजर जो कमी है वो ये है कि आईफोन के जितने भी नॉर्मल फोन रहता है, मतलब स्टार्टिंग का जो फोन रहता है, मतलब प्रो मैक्स या फिर प्लस, इन सब का बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम जो नॉर्मल बेसिक
बेसिक वाला रहता है, जैसे कि ये है आईफोन 14 है, सब में आप लोगों को 60 हर्ट्ज का ही डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एप्पल अगर फोन में TFT डिस्प्ले देना भी चालू कर देना तब भी लोग एप्पल का फोन खरीदेंगे, क्योंकि एप्पल ने जो ब्रांड वैल्यू है वो ऐसा करके रखा हुआ है कि आईफोन है उड़े बापरे, आईफोन का लोगो रहा तो एकदम वो हो गया महंगा। ठीक है, और डिस्प्ले में आप लोग को HDR वीडियो प्लेबैक का भी सपोर्ट देखने को मिलता है और मैक्सिमम आप लोग 4K रेजोल्यूशन में वीडियोस प्ले कर पाएंगे और जो डिस्प्ले का क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। फोन में नॉर्मल 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने के बावजूद भी फोन स्मूथ है, लेकिन हाँ 120 हर्ट्ज जितना उतना स्मूथ नहीं है और फोन के OS का जो एनिमेशन है वो स्मूथ है, सो स्क्रॉल करते वक्त या फिर मल्टीटास्किंग के वक्त आप लोग को कोई भी जिटर फील नहीं होगा। सो आईफोन 14 ये इतना छोटा सा फोन है, लेकिन आप जब इसमें वीडियोस वगैरह प्ले करेंगे, मूवीज वगैरह देखेंगे या फिर कुछ YouTube में वीडियोस देखते हैं या फिर गाना वगैरह प्ले करते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतना छोटे फोन में इतना बढ़िया साउंड कैसे आ रहा है। सो साउंड क्वालिटी एक बार दिखा देता हूं, फुल वॉल्यूम कर दिया है मैंने, एकदम फुल वॉल्यूम पे है। देख लीजिए साउंड क्वालिटी, देख लीजिए स्टीरियो स्पीकर। तो यहाँ पे आप लोगों को आईफोन में स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, नीचे की तरफ एक स्पीकर है और ऊपर की ईयरपीस में सेकंड स्पीकर है। सो साउंड क्वालिटी के मामले में एकदम बहुत ही बढ़िया। तो अब बात करते हैं आईफोन 14 के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस फोन में आप लोग को A15 बायोनिक चिप देखने को मिलता है। तो A15 बायोनिक चिप में आप लोग को 6 कोर का CPU देखने को मिलता है, जिसमें से 2 परफॉर्मेंस और 4 एफिशिएंसी कोर देखने को मिलता है और साथ में 5 कोर का GPU देखने को मिलता है और साथ में 16 कोर का न्यूरल इंजन देखने को मिलता है, जो कि मोस्टली इमेज प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग में काम आता है। और साथ में इस फोन में आप लोग को 6GB LPDDR4X RAM और साथ में 128GB UFS 2.2 का स्टोरेज देखने को मिलता है। सो फोन में मैं BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी इंस्टॉल कर ले रहा हूँ और साथ में फोन में मैं अंतुतु बेंचमार्क और Geekbench 6 को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। सो मैं आप लोगों को आईफोन 14 में बेंचमार्क्स वगैरह रन करके दिखा देता हूँ कि कितना स्कोर आ रहा है। अंतुतु बेंचमार्क रन करने से फोन थोड़ा हीट हुआ है। तो अंतुतु बेंचमार्क रन करने के बाद जो स्कोर आया है वो आया है 12,90,185। अब मैं Geekbench 6 रन कर रहा हूँ, सो जो GPU स्कोर आया है वो आया है 20,342 और जो CPU स्कोर आया है वो आया है सिंगल कोर में 2,247 और मल्टी कोर में 5,549। तो अभी वक्त है गेम प्ले का। सो पहले मैं कॉल ऑफ ड्यूटी को खेल के दिखा रहा हूँ। तो कॉल ऑफ ड्यूटी में आप लोग वेरी हाई मैक्स सेटिंग पे गेम प्ले कर पाएंगे। तो अब मैं BGMI को प्ले करके दिखा देता हूँ। BGMI में आप लोग बाय डिफॉल्ट अल्ट्रा सेटिंग में गेम प्ले नहीं कर पाएंगे। पहले आप लोगों को सेटिंग्स में जाके अल्ट्रा ग्राफिक्स मोड डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर जाके आप लोग अल्ट्रा सेटिंग्स पे गेम प्ले कर पाएंगे। तो BGMI में आप लोग अल्ट्रा सेटिंग पे गेम प्ले कर पाएंगे।
सो आईफोन में जो गेमिंग का क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है। आईफोन में आप लोगों को एक बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है और आईफोन में आप लोग एकदम हाईएस्ट सेटिंग पे मतलब एकदम अल्ट्रा सेटिंग पे आप लोग गेमिंग कर पाएंगे। सो गेमिंग के लिए ये तो एकदम बेस्ट ऑप्शन है। सो ये चीज देख लीजिए, बहुत लोगों के मन में मिथ है कि आईफोन में बहुत ज्यादा रैम होता है इसलिए आईफोन फास्ट होता है, लेकिन ये भी एक मिथ है। आईफोन 13 सीरीज तक आप लोगों को फोन सारे फोन्स में 4GB का ही रैम देखने को मिलता था। अभी एप्पल ने आईफोन 13 सीरीज के बाद से उसको थोड़ा अपग्रेड कर दिया है, 6GB रैम कर दिया है। तो देख लीजिए यहाँ पे 6GB का रैम है। कहा आप लोगों को एंड्रॉइड फोन्स में 12-12GB तक का रैम देखने को मिल रहा है, एप्पल में सिर्फ 6GB का रैम है। लेकिन 12GB रैम होने के बावजूद भी उन सारे फोन्स में लैग्स वगैरह, स्टटर वगैरह, जिटर वगैरह देखने को मिलता है, लेकिन आईफोन में वैसा देखने को नहीं मिलता है 6GB रैम होने के बावजूद भी। सो ये क्यों है? ये है पूरा का पूरा एप्पल का ऑप्टिमाइजेशन का क्रेडिट। अब बात करते हैं आईफोन के सेकेंड मोस्ट हाईलाइट जो की है कैमरास। तो अब बात करते हैं आईफोन 14 के कैमरास के बारे में। सो इस फोन में आप लोग को ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो जो प्राइमरी कैमरा है वो भी 12 मेगापिक्सल का है और जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो भी 12 मेगापिक्सल का है। 12 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी सेंसर है वो बड़ा सेंसर है, 26mm का सेंसर है और जो अपर्चर है वो है f1.5 का। सो जो प्राइमरी कैमरा है उसमें आप लोग को 2x ऑप्टिकल जूम और 5x तक डिजिटल जूम देखने को मिलता है और इस फोन के प्राइमरी सेंसर में आप लोग को OIS देखने को मिलता है और जो सेकेंडरी 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड का सेंसर है उसका साइज है 13mm और अपर्चर है f2.4 का और साथ में 120 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलता है। रियर कैमरा में आप लोग को 0.6x से लेके 2x तक ऑप्टिकल जूम एंड 5x तक डिजिटल जूम देखने को मिलता है। तो इस फोन में आप लोग 720p 30fps से लेके 4K 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो कैमरा में आप लोग को बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाता है। तो फोटोज में आप लोग इनबिल्ट फिल्टर्स वगैरह, पोर्ट्रेट वगैरह वो सब भी यूज कर पाएंगे और साथ में एक खास फीचर्स है, पिक्सल फोन्स की तरह आप लोग इस फोन से लाइव फोटोज भी ले पाएंगे और इसके अलावा आप लोग को इस फोन में स्लोमो, नाइट मोड, टाइम लैप्स ये सब भी देखने को मिलता है। और आईफोन में खास बात है कि वीडियो रिकॉर्डिंग में आप लोगों को HDR वीडियोस के साथ साथ डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वो भी 4K 60fps में। तो फोटो वीडियो के अलावा आप लोग को फोन में सिनेमैटिक मोड, पैनोरामा ये सब भी देखने को मिलता है। सो मोस्टली जो फीचर्स आप लोग एक फ्लैगशिप फोन के कैमरा से एक्सपेक्ट करते हैं वो मोस्टली सारे के सारे फीचर्स आप लोग को इस फोन में देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो फोटो है ये मैंने वाइड एंगल कैमरा से लिया है। अब मैंने 1x पे शिफ्ट किया है, आप 2x पे, आप 5x पे। सो आप लोगों को इस तरीके का जूमिंग क्वालिटी देखने को मिलता है। तो ये जो शॉट है ये मैंने वाइड एंगल कैमरा से क्लोज शॉट लिया है। सो वाइड एंगल कैमरा का डायनामिक रेंज अच्छा है। तो ये मैंने एक पैनोरामा वाला शॉट लिया है। सो अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आईफोन 14 के बैक कैमरा से। सो आप लोगों को ऐसा ही क्वालिटी देखने को मिलेगा जब भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे इस फोन के बैक कैमरा से। ये वीडियो मैं 4K 60fps में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो क्वालिटी देख लीजिए। तो ये जो इंडोर शॉट है मैंने विदाउट नाइट मोड लिया है और ये वाला नाइट मोड के साथ लिया है। तो ये शॉट मैंने रात के टाइम पे अल्ट्रा वाइड कैमरा से लिया है और ये शॉट मैंने नॉर्मल कैमरा से लिया है और ये 2x जूम के साथ लिया है। ये शॉट मैंने रात के टाइम पे नॉर्मल कैमरा से लिया है और ये मैंने अल्ट्रा वाइड से लिया है और ये मैंने अल्ट्रा वाइड सेंसर में विदाउट नाइट मोड लिया है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4K 60fps में। सो नाइट के टाइम पे स्टेबलाइजेशन देख लीजिए आईफोन 14 में। जब मैं रनिंग कर रहा हूँ तब देख लीजिए कैसा स्टेबलाइजेशन है। सो बैक कैमरा में नाइट में फुल HD 30fps में अच्छा खासा क्वालिटी देखने को मिल रहा है। 4K में थोड़ा ब्राइटनेस ड्रॉप हो जाता है
इस फोन में आप लोग को 12 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है जिसका एपर्चर है f1.9। तो जो फ्रंट कैमरा है ये वाइड वाला सेंसर है। सो मोस्टली जो फीचर्स आप लोगों को रियर कैमरा में देखने को मिलता है वो सब फीचर्स फ्रंट कैमरा में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आपको फ्रंट कैमरा में नॉर्मल वाला एंड वाइड वाला दोनों ऑप्शन देखने को मिलता है। साथ में फिल्टर्स वगैरह, पोर्ट्रेट्स वगैरह ये सब भी आप लोग ऐड कर पाएंगे। सो फ्रंट कैमरा से ये फोटो मैंने नॉर्मल मोड में लिया है और ये एक वाइड शॉट है। इस फोटो में मेरे स्किन टोन को ज्यादा ही येलोइश टाइप का कर दिया है। सो ये अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4K में ये वीडियो। सो आप लोग जब भी 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप लोगों को ऐसा ही क्वालिटी देखने को मिलेगा फ्रंट कैमरा से। मैं 4K 60fps का फुटेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये इंडोर लाइट कंडीशन में मैंने फोटो लिया है। सो यहाँ पे भी वार्म टोन थोड़ा ज्यादा है और मेरे स्किन को पूरा येलो कर दिया है जैसे कि मेरे को जॉन्डिस हो रखा है। सो आईफोन के फ्रंट कैमरे में आप लोग को लेंस फ्लेयर देखने को मिलता है। सो ये एक डिसअपॉइंटिंग वाला बात है। तो ये वीडियो भी मैं फुल HD 30fps में रिकॉर्ड कर रहा हूँ नाइट के टाइम पे फ्रंट कैमरा से आईफोन 14 में। ऐसा ही वीडियो क्वालिटी आप लोगों को देखने को मिलेगा। मेरा का स्टेबिलाइजेशन देख लीजिए आईफोन 14 में। सो ऐसा ही स्टेबिलाइजेशन देखने को मिलेगा अगर आप ब्लॉगिंग करते वक्त रनिंग वगैरह करते हैं। बैक कैमरा से फ्रंट कैमरा में और फ्रंट कैमरा से बैक कैमरा में स्विचिंग के वक्त जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। तो यहाँ पे मैं ऑटो फोकस को दिखा दे रहा हूँ। तो जो ऑटो फोकस का क्वालिटी है वो ठीक ठाक है। तो ओवरऑल इस फोन का जो कैमरा क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है, खास करके जो वीडियोग्राफी का क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है। तो ब्लॉगिंग के लिए जो लोग फोन लेना चाहते हैं तो उन लोग के लिए ये फोन एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। तो अब बात करते हैं आईफोन 14 के कनेक्टिविटी के बारे में। इस फोन में आप लोग को डुअल 4G वोल्टी और 5G देखने को मिलता है और साथ में 6 बैंड का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर आप लोग डुअल सिम यूज करते हैं तो आप लोगों को एक दिक्कत फेस करना पड़ेगा क्योंकि आईफोन्स में डुअल सिम आप नहीं लगा सकते हैं, मतलब फिजिकल सिंगल सिम का ही सपोर्ट रहता है। सेकेंड सिम आप यूज कर पाएंगे उसके लिए आप लोगों को ई सिम लेना पड़ेगा और साथ में वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5.3 और NFC का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा GPS, ग्लोनास, बेडू सारे चीजों का सपोर्ट देखने को मिलता है और इस फोन में आप लोग को प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ग्रेविटी सेंसर, जायरो सेंसर और मोस्टली सारे के सारे सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अब मैं नेटवर्क स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो 5G के साथ आप लोग को जो नेटवर्क स्पीड देखने को मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को 587 MBPS का स्पीड देखने को मिल रहा है। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी आईफोन को एक दिन के लिए यूज कर रहा हूँ। आप लोग दुआ कीजिए मेरे लिए कि मेरा जो चैनल है वो बड़ा चैनल हो जाए, मैं एक अच्छा बड़ा सा यूट्यूबर बन जाऊँ ताकि मैं आप लोगों के लिए एकदम लेटेस्ट लेटेस्ट आईफोन, एकदम लेटेस्ट लेटेस्ट सारे के सारे फोन का अनबॉक्सिंग कर पाऊँ, आप लोगों को दिखा पाऊँ, गिव अवेज वगैरह कर पाऊँ। तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे ऊपर अपना हाथ रखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाइए कि मैं आप लोगों को गिव अवेज में फोन आईफोन गिफ्ट कर पाऊँ। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और जैसे कि मैंने बोला अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लाऊं आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।